फिल्म पद्मावत के विरोध में कर्णी सेना की तरफ से गुरुग्राम में एक नामी स्कूल की बस पर हमले की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने निंदा की है। राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी घृणा और हिंसा का उपयोग कर देश में आग लगा रही है। बता दें, फिल्म पद्मावत की रिलीज के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भीड़ ने एक स्कूल बस पर हमला कर दिया। जीडी गोयनका वर्ल्ड स्कूल के छात्र अपने घर लौट रहे थे, तभी तकरीबन 60 प्रदर्शनकारियों ने लाठियों से बस पर हमला करते हुए ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। जब ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया तो असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। स्कूली बस के कर्मचारियों और टीचर ने बच्चों की सुरक्षा के लिए सीट के भीतर छिप जाने और ड्राइवर से बस नहीं रोकने को कहा। बस के कुछ शीशे चटक गए। विवादों से घिरी फिल्म पद्मावत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज देश भर में रिलीज हो रही है। फिल्म की रिलीज से पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। कर्णी सेना ने धमकी दी है कि फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। आगजनी और पथराव की वारदातें कर्णी सेना कई दिनों से। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।